Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. Friends, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4. इसमें क्वेश्चन का पैटर्न TCS के पैटर्न के बिल्कुल सिमिलर होगा. तो इस सेट में मौजूद सभी 20 क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिए और मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से मैच कराइए. जिस किसी को भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो, वो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद सब्जेक्ट वाइज लेक्चर को देख सकते हैं. हम लोगों ने नेटवर्क में लगभग 100 क्वेश्चंस, मशीन में मोर देन 300 क्वेश्चंस, मेजरमेंट में लगभग 100 क्वेश्चंस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है. तो यदि आप फुल एक्सप्लेनेशन वाले लेक्चर्स को प्लेलिस्ट से देख लें तो प्रैक्टिस सेट के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. तो स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 1. फॉर आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी में गिवन है कॉपर, ऑप्शन सी में गिवन है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी में गिवन है ACSR कंडक्टर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 यह कहता है कि अ थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड इन स्टार डेल्टा कनेक्शंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉल्टी कनेक्शन द करंट ट्रांसफार्मर शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग. और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए में गिवन है स्टार स्टार, ऑप्शन बी में गिवन है डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन सी में गिवन है स्टार डेल्टा और ऑप्शन डी में गिवन है डेल्टा स्टार. यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि एक थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर जिसका कनेक्शन स्टार डेल्टा हो, उसको फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम करंट ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, उस करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसा होना चाहिए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेल्टा स्टार, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 यह कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन कैपेसिटेंस Cx इन माइक्रोफैराड एंड अननोन रेजिस्टेंस Rx इन ओम रेस्पेक्टिवली व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द डिटेक्टर D. और इसके लिए हमें एक सर्किट गिवन है. इस सर्किट को देखने से ही आप इसका नाम बता सकते हैं. यह सर्किट है शेयरिंग ब्रिज का. ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके डिटेक्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि यह केस है बैलेंस ब्रिज का. ओके, यदि हम इस ब्रांच को ब्रांच नंबर 1 मान लें, यदि इस ब्रांच को हम एज्यूम करें ब्रांच नंबर 2 और इसे हम लिखें ब्रांच नंबर 3 और इस ब्रांच को हम एज्यूम करें ब्रांच नंबर 4, तो बैलेंस कंडीशन के केस में Cx विल बी इक्वल टू R4 बाय R3 इनटू C2 एंड अननोन रेजिस्टेंस Rx विल बी इक्वल टू C4 बाय C2 इनटू R3. जब इन दोनों में आप वैल्यू को पुट करिएगा तो Cx की वैल्यू आपको मिलेगी 50 माइक्रोफेराड और Rx की वैल्यू आपको मिलेगी 64 ओम. तो अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए. ऑप्शन बी में गिवन है 50 एंड 64, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 यह कहता है अ सोलेनोइड ऑफ इंडक्टेंस 250 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स. द टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है. ऑप्शन ए में गिवन है LN2, ऑप्शन बी में गिवन है 10^-3 LN2, ऑप्शन सी में गिवन है 25 LN2, ऑप्शन डी में गिवन है 0.025 LN2. तो इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको कि इस क्वेश्चन में एक सोलेनोइड के बारे में बात किया है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और इंडक्टेंस है 250 मिली हेनरी. जब हम इस सोलेनोइड को एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, आप कोई भी वोल्टेज वी एज्यूम कर लीजिए, तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट आई के वेवफॉर्म को यदि आप ड्रॉ करोगे तो करंट आई का वेवफॉर्म आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा. तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट होने वाला है सप्लाई वोल्टेज वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर. ये वेवफॉर्म है करंट वर्सेस टाइम का, आई वर्सेस टी. ओके, यदि हम इस करंट के इक्वेशन की बात करें तो आई विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर 1-e^-t/tau. यहाँ पर टाउ है टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सर्किट
एक RL सर्किट है, तो इन केस ऑफ RL सर्किट टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R। तो यहां से आप टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लीजिएगा। नाउ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वो टाइम बताना है जिस टाइम पर मैग्नेटिक एनर्जी अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इन केस ऑफ इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 LI² होता है, यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम लाने के लिए करंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा, यानी कि E max हमें तभी मिलेगा जब इस कंडक्टर में मैक्सिमम करंट फ्लो करे, यानी कि आई मैक्स फ्लो करे। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें मैक्सिमम एनर्जी का 1/4 चाहिए, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर वाले रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें मैग्नेटिक एनर्जी ई मैक्स डिवाइडेड बाय 4 चाहिए, तो उसके लिए उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम करंट बाय 2 होना चाहिए। यदि हम इस करंट को हाफ कर दें तो एनर्जी 1/4 हो जाएगा। ओके, कि इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट रूप से हमसे ये पूछा है कि आप हमें वो टाइम बताइए जिस टाइम पर इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम करंट का 1/2 हो जाता है। तो आपको करंट का इक्वेशन पता है, V/R 1 e^-t/τ। यहाँ पर मैक्सिमम करंट है V/R। यदि हमें मैक्सिमम करंट बाय 2 चाहिए तो दिस विल बी इक्वल टू V/2R। ये हो जाएगा मैक्सिमम करंट बाय 2। इसको आप इक्वेट करेंगे V/R 1 e^-t/τ से। यहाँ पर V से V कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/2 विल बी इक्वल टू 1 e^-t/τ। यहाँ पर टाउ की वैल्यू आप L/R से फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप आसानी से टाइम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर होने वाला है 0.025 ln 2, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यह कहता है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स एंड एन आइडियल एमिटर रेस्पेक्टिवली। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है 0, 0। ऑप्शन बी में गिवन है 0, ∞। ऑप्शन सी में गिवन है ∞, 0। ऑप्शन डी में गिवन है ∞, ∞। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ∞, 0। यानी कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जबकि आइडियल एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है द टैरिफ मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है फ्लैट डिमांड रेट। ऑप्शन बी में गिवन है ब्लॉक मीटर रेट। ऑप्शन सी में गिवन है 2-part टैरिफ। ऑप्शन डी में गिवन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2-part टैरिफ, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यह कहता है कि द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है ओम। ऑप्शन बी में गिवन है ओम मीटर। ऑप्शन सी में गिवन है ओम बाय मीटर। ऑप्शन सी में गिवन है यूनिटलेस। मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का एक दूसरा नाम भी है, जो कि है रेसिस्टिविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं रो से, और इसका SI यूनिट होगा ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यह कहता है व्हाई आर सेपरेटर्स प्रोवाइडेड इन अ लेड एसिड बैटरी। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है रिड्यूस पोलराइजेशन। ऑप्शन बी में गिवन है प्रिवेंट फ्लो ऑफ करंट। ऑप्शन सी में गिवन है प्रिवेंट कोरोजन एंड इंक्रीज बैटरी लाइफ। ऑप्शन डी में गिवन है प्रिवेंट इंटरनल इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेपरेटर्स आर प्रोवाइडेड इन लेड एसिड बैटरी टू प्रिवेंट इंटरनल इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यह कहता है
स्पिलवे इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवेन है थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी में गिवेन है सोलर पावर प्लांट, ऑप्शन सी में गिवेन है न्यूक्लियर पावर प्लांट और ऑप्शन डी में गिवेन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो आपको बताना है कि स्पिलवे किस पावर प्लांट का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा फैक्टर्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऑप्शन बी में गिवन है बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1। ऑप्शन सी में गिवन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा माइनस 1। ऑप्शन डी में गिवन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रिफर्ड फॉर ड्राइविंग कंप्रेसर्स वेरिएबल हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी में गिवन है 3-phase सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी में गिवन है डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन डी में गिवन है डीसी शंट मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यह कहता है कि इन अ 4-pole डीसी मशीन नंबर ऑफ साइकल्स ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन 1 complete revolution ऑफ द आर्मेचर, यानी कि आर्मेचर के 1 complete revolution होने पर एक 4-pole डीसी मशीन में इंड्यूस्ड ईएमएफ के कितने साइकल्स होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 साइकल। यदि यह 2-pole मशीन होता तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरीके का होता, लेकिन इस क्वेश्चन में 4-pole मशीन गिवन है तो 4-pole मशीन के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेवफॉर्म कुछ ऐसा होगा, यानी कि 1 complete revolution में यहाँ पर हमें 2 साइकल्स मिलने वाले हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। यह कहता है कि फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ अ फ्यूज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट टू द प्रोस्पेक्टिव करंट, ऑप्शन बी में गिवन है रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट टू द कट ऑफ करंट, ऑप्शन सी में गिवन है रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्यूजिंग करंट टू द रेटेड कैरिंग करंट और ऑप्शन डी में गिवन है रेशियो ऑफ मिनिमम फ्यूजिंग करंट टू द रेटेड कैरिंग करंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। यह कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर लाइटनिंग प्रोटेक्शन। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में कहता है आइसोलेटर, ऑप्शन बी में गिवन है ZNO फेरिस्टर, ऑप्शन सी में गिवन है सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी में गिवन है ओवर वोल्टेज रिले। तो हमें बताना है कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ZNO फेरिस्टर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यह कहता है कि द मीन स्फेरिकल कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प दैट एमिट्स टोटल फ्लक्स ऑफ लाइट ऑफ 1500 ल्यूमेन इज व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है 1500 डिवाइडेड बाय 4π, ऑप्शन बी में गिवन है 1500 डिवाइडेड बाय 2π, ऑप्शन सी में गिवन है 1500 मल्टीप्लाई विद 4π और ऑप्शन डी में गिवन है 1500 मल्टीप्लाई विद 2π। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1500 डिवाइडेड बाय 4π, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यह कहता है कि अ 4-band कार्बन रेसिस्टर हैज रेसिस्टेंस ऑफ 2.6 ओम प्लस माइनस 5%, व्हाट विल बी द कलर ऑफ इट्स बैंड्स। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। सभी ऑप्शंस में कार्बन रेसिस्टेंस के चारों बैंड का कलर गिवन है। तो हमें बताना है कि 2.6 ओम प्लस माइनस 5% वाले रेसिस्टर में उसके चारों बैंड्स का कलर कैसा होगा। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होने वाला है रेड ब्लू गोल्ड गोल्ड, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यदि आप कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं जानते हैं तो आप हमारे कलर कोडिंग वाले लेक्चर को देख सकते हैं।
उस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 यह कहता है, डैश रेंज ऑफ करंट एट 50 हर्ज एफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी लाइक पेनफुल शॉक। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है 1 to 5 एम्पियर, ऑप्शन बी में गिवन है 5 to 10 एम्पियर, ऑप्शन सी में गिवन है 5 to 10 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी में गिवन है 0 to 1 मिली एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 to 10 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 यह कहता है कि चांसेस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर। ऑप्शन ए में गिवेन है समर हीट, ऑप्शन बी में गिवेन है विंटर, ऑप्शन सी में गिवेन है ह्यूमिड वेदर, ऑप्शन डी में गिवेन है ड्राई वेदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमिड वेदर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 यह कहता है कि अ रिले इन अ पावर सिस्टम इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप इन चारों ऑप्शंस को रीड करिए, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, अ रिले इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस दैट सेंसेस एन एबनॉर्मल कंडीशन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड क्लोजेज इट्स कॉन्टेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। यह कहता है, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 177 base 10 इज वॉट। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हमें डेसिमल में गिवन है 177, इस 177 को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल इक्विवेलेंट में। तो डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 से डिवाइड करते हैं। यदि आप 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 22, रिमाइंडर बचेगा 1, फिर इसे आप 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 6। अब ऑक्टल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, 6 एंड 1। तो ये हो जाएगा 177 का ऑक्टल इक्विवेलेंट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में हमें लिखना होता है, यानी कि पहले 2, उसके बाद 6, उसके बाद 1। यदि आप यहाँ पर मिस्टेक करिएगा और ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आइएगा तो आपको मिलेगा पहले 1, उसके बाद 6, उसके बाद 2, 162। यदि आप मिस्टेक की वजह से 162 आंसर लाते हैं तो आपके लिए यह ऑप्शन भी तैयार है, सो बी केयरफुल। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।